न्यूजीलैंड भारत में रिम्स में बिना मास्क के लोगों को घूमते दिखाए जाने की खबर का असर हुआ। रिम्स प्रबंधन ने बिना मास्क के रिम्स में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने की भी हिदायत दी जारी है। मास्क के रिम्स में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। न्यूज 11 भारत ने भी खबर दिखाया था कि रिम्स परिसर में कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं। अब रिम्स के तैनात सुरक्षा कर्मी बिना मास्क के रहने वाले लोगों को रोक टोक कर उन्हें अस्पताल में जाने नहीं दे रहे हैं। सभी को मास्क पहनकर ही अस्पताल में प्रवेश करने दिया जा रहा है, साथ ही भीड़ भाड़ लगाने वाले लोगों को भी सोशल डिस्टेंस बनाने को कहा जा रहा है। कुछ लोग जानबूझकर भी मास्क नहीं पहन रहे, वैसे लोगों को समझाने में सुरक्षा कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल है तो क्या कीजिएगा, नहीं लगाने से क्या दिक्कत होगा बताइए। तो जानते हैं भी क्या होगा बताइए, नहीं लगाने से, मास्क नहीं लगाने से क्या दिक्कत होगा। दिक्कत तो होता है, कहते हैं मास्क लगाइए, खरीद लीजिए, लगाइए, बिना मास्क का मत जाइए, अंदर खतरा है आपका, आपको भी होगा, दूसरा आदमी संपर्क में रहेगा उसको भी होगा। रिम्स अस्पताल में लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, संक्रमण का भी खतरा रिम्स में ज्यादा है। वैसे में हर किसी को कोरोना के संक्रमण में मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंस से कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाया जा सकता है। न्यूज 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी पवन के साथ सत्यवर्त किरण की रिपोर्ट।